वेलकम मनीष जी। केएसबी लिमिटेड और आज के इस मार्केट में भी पॉजिटिव है अगर ये स्टॉक, तो बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन मैंने आइडेंटिफाई किया था वहां से आज 10-20 रुपए ऊपर ही है। रीजन है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे और जो कल का महाराष्ट्र बजट में, और अभी पंप्स की बात हो रही थी कैसे पंप्स वाली कंपनियों को फायदा, और केएसबी वन ऑफ द लीडिंग पंप मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया का, और जर्मन कंपनी हमारे सिद्धार्थ जी के जर्मनी वाले जर्मन एमएनसी, वैसे ही बहुत इन पे मेरे को बहुत वो रहता है कॉन्फिडेंस, और बहुत ज्यादा रोबस्ट होती हैं लोग के सारे सिस्टम्स या प्रोसेसेस वगैरह सब कुछ। तो देखिए इंडस्ट्रियल और सक्शन और हाई प्रेशर मल्टी स्टेज पंप्स बनाते हैं, सबमर्सिबल मोटर पंप्स बनाते हैं, वेल्व्स बनाते हैं, और देखिए जो कैपेक्स अब इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, और देखिए अभी मैं पोस्ट बजट मोदी जी के वो भी सुन रहा था, तो कॉर्पोरेट को भी पीएम साहब ने ये बोला कि भाई आप लोग भी कैपेक्स बढ़ाइए, हम हमारा कैपेक्स बढ़ा रहे तो आप लोग भी बढ़ाइए। और इनफैक्ट इंडियन कॉर्पोरेट्स बढ़ा भी रहे हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो या केमिकल्स में हो, पावर में, ऑयल एंड गैस, माइनिंग एंड शुगर, इन सब में इनके बेसिकली कैपेक्स अगर होता है तो इनको फायदा होता है। और अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी है पिछले कुछ दिनों में, और हेल्दी हुई है इनकी ऑर्डर बुक, तो सबसे बढ़िया बात है। इस स्टॉक को मैंने बहुत नीचे के लेवल से भी रेकमेंड किया, पोस्ट कोरोना वन ऑफ द सेफेस्ट बेट्स माना जाता है, और अभी भी ऊपर के लेवल से जब करेक्ट हो रखा है तो अब लगता है कि बहुत अच्छे मतलब करेक्शन हुआ है, और अगर नीचे भी आता है तो यहाँ कोई घबराना नहीं है क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत रोबस्ट है, बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए 23-24 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% है, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट की क्या कर 26% है, पिछले 5 साल की अगर सेल्स की क्या कर देखे तो 14% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी दिसंबर के क्वार्टर में बढ़ते हुए आए हैं जो 15% है, जनरली ये लोग पहले ये 16-17% के लगभग करते थे, बट अब ये पिछले कुछ क्वार्टर से सडनली प्रेशर आया था मार्जिन पे, बट अब वापस ये 15% पे है। टॉप लाइन बहुत बढ़िया बढ़ गया, ये 445 करोड़ से 525 करोड़, फिर आपके दिसंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट्स था 39 करोड़ से 56 करोड़, मतलब पहली बार ये 50 करोड़ के ऊपर कंपनी कमाई है। सो टीटीएम बेसिस में 183 करोड़ जो कि हाईएस्ट एवर एनुअलाइज टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स है। एक जीरो डेट कंपनी है, डेट्स हालांकि पहले भी ज्यादा नहीं थे बट अब एकदम ही ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं, और उससे भी बढ़िया बात है एफआईएस डीआईएस का भी पूरा भरोसा है, 14% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो थाइसन ग्रुप, एक अगेन वेरी बिग यूरोपियन एमएनसी, उनकी भी इसमें होल्डिंग है 3% के लगभग। तो इन सबको देखता हूं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस कंपनी को लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, जिन्होंने ले रखा हमारे पुराने रिकमेंडेशन पे वो होल्ड करें, और कहीं भी नीचे आए तो ये स्टॉक एवरेजिंग करने लायक है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लें और आराम से 2150-2190 का टारगेट। 2150-2190 का टारगेट, ये जो महाराष्ट्र बजट में अनाउंसमेंट आए हैं उसमें कई सारी कंपनीज को बेनिफिट होता है, और उसमें से एक केएसबी लिमिटेड भी है, पंप्स बनाने की दिग्गज कंपनी है वाटर इरिगेशन में, इनका एक बड़ा मार्केट शेयर भी है इस समय।